हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम फिर आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं चिरवारी गांव की पथरिया माता, जो अभी इस समय बहुत ही तेजी से वायरल चल रही हैं। लोग मानते हैं कि यहां पर आने से घातक बीमारी का इलाज एक ही बार में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं छतरपुर जिला में एक गाँव है चिरवारी, जहाँ पर पथरिया माता जो अभी इस समय बहुत ही तेजी से वायरल चल रही है, हम आपको उसी के बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, पथरिया माता का मंदिर चार ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हम आपको पथरिया माता की संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप दोस्तों देख सकते हैं पथरिया माता के यहाँ मंदिर के आसपास मेला लगना स्टार्ट हो चुका है। आपको नीम के झोंके और नारियल की दुकानें आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको हर श्रद्धालु के हाथ में एक नीम का झोंका जरूर देखने को मिलेगा। आपको जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे है पथरिया माता का मंदिर। दोस्तों, आपको श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको पथरिया माता के परिक्रमा लगाने से पहले आपको नीचे से कहीं से भी 5 कंकड़ उठा लेना है, फिर उसके बाद आप पथरिया माता के परिक्रमा लगा सकते हैं। आपको हर परिक्रमा के बाद आपको एक कंकड़ अपने सर पे से गोल गोल घुमाकर माता पथरिया की स्थान की ओर आपको रखना है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पथरिया माता के परिक्रमा लगाते हुए आपको कितने हजारों की तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे आपको। दोस्तों, आपको जगह जगह नीम के झोंके और नारियल आपको देखने को मिलेंगे।
दोस्तों आपकी पांच परिक्रमा हो जाने के बाद आपको माता पतरिया की ओर पीठ सेट करके और नीम का झोंका बगल पर रख के बैठ जाना है। और दोस्तों आपको जो दुख हो वो पतरिया माता से बोलना है, पतरिया माता आपको झाड़ देंगी। वहीं पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये ही पतरिया माता का स्थान है। और दोस्तों यहीं पर पतरिया माता ने आकाशवाणी करके एक व्यक्ति को बोला था कि तुम पांच कंकड़ और नीम का झोंका लेकर पांच परिक्रमा पूरी करो, फिर उसके बाद तुम पीठ सेट करके बैठ जाना और जो भी तुम्हें दुख हो वो माता जी से बोलना है, फिर मैं उसके बाद नीम के झोंके से झाड़ दूंगी। और उसके बाद बोला था कि जहां तक हो सके वहां वहां मेरी आवाज़ फैला दो। दोस्तों मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है, कृपया आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों पथरिया माता की आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे दूसरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।